हम पढ़ रहे हैं इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स कॉलम से कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हो, जैसे कि ये मैट्रिक्स है 2 1 0 1 -2 3 5 6 7 9, और आपको इसका इनवर्स निकालना है कैसे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आपको एक प्रोसीजर बता होना चाहिए कि एक्चुअली किस तरह से पहले वन लाना है, आपको करना क्या पड़ता है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है इस मैट्रिक्स को, यानी पहले वन लाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर ये डबल जीरो इस तरह से, इसको फर्स्ट वन बोलते हैं, फिर ये डबल जीरो लाना, फिर यहाँ पे ये सेकंड वन बोलते हैं, फिर इसके डबल जीरो इधर वाले रहते हैं, फिर ये थर्ड वन और इसके डबल जीरो इधर रहते हैं। तो नोट करना, ये फर्स्ट वन है उसके डबल जीरो इधर वाले, फिर सेकंड वन लाना उसके डबल जीरो इधर वाले, फिर थर्ड वन लाना फिर उसके जीरो इधर वाले, ठीक है। यानी पहले हम यहाँ पे क्या लाएंगे वन, ठीक है, फिर उसके बाद इन दो जगह पे क्या लाएंगे जीरो, वो तो ऑलरेडी था, ठीक है, फर्स्ट वन डबल जीरो आ गए, अब क्या लाना सेकंड वन, यानी यहाँ पे लाना वन, फिर उसके बाद डबल जीरो यानी इधर और उधर वाले, इन दो जगह पे जीरो, फिर थर्ड वन देखो आगे, फर्स्ट वन डबल जीरो सेकंड वन डबल जीरो, अब थर्ड वन ये वाला यहाँ पे वन लाना, और फिर डबल जीरो इधर वाले, ये वाले डबल जीरो। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स है वो कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, जो भी गिवन मैट्रिक्स था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये वन और डबल जीरो किस सिक्वेंस में लाने वो मैंने बताया, लेकिन कैसे लाना वो अब हम पढ़ेंगे, यानी वन कैसे लाना जीरो कैसे लाना उसके रूल। तो बताओ वन के रूल क्या है, ठीक है, वन के रूल पहला रूल है इंटरचेंज, राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड यानी राइट साइड, राइट हैंड साइड वाले नंबर से अगर वन है तो, दूसरा रूल है सपोर्ट राइट हैंड साइड वाले, सपोर्ट कैसा लेते हैं, पहले प्लस माइनस और टेबल नहीं हुआ तो टेबल, और ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो फॉर्मूले से करते हम। चलो तीसरा डिवीजन, ये डिवीजन है ना खुद से ही करना पड़ता है, खुद को खुद से डिवाइड कर दो, जैसे 5 5 से डिवाइड करेगा तो वन आएगा, ये वन के रूल। और फिर जीरो के रूल कैसे, जीरो के रूल क्या है, पहले गिवन नंबर लिखो एरो करके वही नंबर लिखो, फिर प्लस माइनस देखिए कौन सा नंबर लिखना अपोजिट नंबर इनटू वन, ठीक है ना, गिवन नंबर वही लिखना जो भी है जिसको जीरो लाना है उसका अपोजिट नंबर लेना, हाँ प्लस माइनस जो भी है, जैसे प्लस 7 है तो माइनस 7 आएगा, प्लस 5 है तो माइनस 5 आएगा, अगर ये माइनस 3 है तो उधर प्लस 3 आएगा ऐसा, अगर ये प्लस 7/2 है तो उधर माइनस 7/2 आएगा, ऐसे अपोजिट नंबर अपने वन से लेना पड़ता है और वन, तो देखेंगे अभी हम स्टेप बाय स्टेप। और जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है ए इनवर्स इक्वल ए इक्वल टू आई, इस फॉर्मूले से। रो ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मूला कौन सा था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई ऐसा था, और कॉलम में क्या है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ठीक है। जैसे कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ले मैट्रिक्स ए आपको दिया 3 1 5 0 -2 7, ठीक है, -1 -3 2 0 ऐसा कुछ दे दिया आपको, बोला इसका इनवर्स फाइंड आउट करो, तो आप क्या करना, सबसे पहले तो आपको इसका डिटरमिनेंट करना पड़ता है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है 3 1 5 0 -2 -1 -3। देखो डिटरमिनेंट के सिंबल और मैट्रिक्स के सिंबल में थोड़ा फर्क है, ऐसा करने से ऐसा ऐसा खींचने से ये मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन ऐसा मत करना अब।
ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट कैसे करते हैं आपको पता है, पहला नंबर थ्री, और फिर क्या करते हैं, रो और कॉलम को काउंट मत करना, उसके बचे हुए नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले वाला 2 × 0 = 0, फिर माइनस, 2 × −1 − 2 होता है तो −2 लिखना, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा, +2। फिर बीच वाला नंबर लेना, उसका साइन चेंज, जैसे +1 है तो −1, और अगर −1 होता तो +1, ठीक है, लेकिन +1 है तो −1। फिर क्या करना, इसका रो, इसका कॉलम और रो मत लेना, तो बचे कौन, 1, 2, 3, 4। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले ये वाला क्रॉस करना, बाद में ये वाला, 0 × 0 = 0, फिर माइनस का साइन देना, फिर −3 × −1 होता है +3, लिखा मैंने +3, मैंने +3 लिखा है, ऐसा लिखा इसका मतलब मैंने +3 लिखा ना। अब बताओ लास्ट वाला नंबर कौन सा है, 5। फिर वही उसका कॉलम और रो काउंटिंग में मत लेना, उसके नंबर मत लेना, बचे हुए नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 × 0, पहले ये क्रॉस करना, बाद में ये क्रॉस करना, 2 × 0 = 0, माइनस, −3 × −2 कितना होता है, +6। देखो मैं +6 लिख रहा हूँ, मैं ऐसा लिखूंगा +6, इसको बोलते, देखो मैंने लिखा ना +6 ऐसा, तो देखो 3 ( 2 = 0 + 2 0 − 3 − 3 0, यानी कुछ भी नहीं होता, तो −3, 0 यानी कुछ भी नहीं, +2, ब्रैकेट का आंसर 0 − 6 − 6, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, −−+, और 6 × 5 = 30, −30, ये कितना होता है 9, −30, कितना होगा −20। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 25, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, 0 आई ना, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई ना तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स निकलता ही नहीं, जो सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है उसका इनवर्स नहीं निकलता, यानी जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी जो मैट्रिक्स आपको दिया गया क्वेश्चन में वो इनवर्टिबल है या नहीं, इनवर्टिबल है उसका इनवर्स निकाल सकते या नहीं निकाल सकते ये बताओ बोलते। तो आपको पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो लिख देना वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अपने क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, −21 डिटरमिनेंट की, यानी इसका मतलब 0 नहीं है, तो अच्छी बात है, तो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है, निकलता है। आप जब एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, डायरेक्ट ये लिख देना, डिटरमिनेंट 0 नहीं है यानी ये इनवर्स एग्जिस्ट, ये सेंटेंस की जरूरत नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। उसके बाद क्या लिखना, वी नो दैट, हमें रूल पता है, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है आई, ये रूल अप्लाई करना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए रो होता तो क्या लिखते हैं, ए इंटू ए इनवर्स, फर्क पड़ गया। अब देखो अब इसमें वैल्यू कुछ बदलो, ए इनवर्स हमें पता नहीं, लेकिन हमें ए पता है, ए कितना है 3 × 1 = 5, 0 − 2 − 1, −3 = 2, ये ए पता है आपको, इक्वल टू आई पता है, आई क्या होता है, आई यानी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैंने लिख दिया। अब आपका काम कौन सा है, इसके बाद आपका काम है जो मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था, आपको इस मैट्रिक्स को कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यहां पे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यानी ऐसे कन्वर्ट करो, 1 यानी ट्रिपल 1 और इतने सारे 0, 3 1 और 6 0, ये लाना, यानी आपको वैसा बनाना, लेकिन बनाने की प्रोसीजर है, कैसे बनाना, पहले ये वाला बन लेना,
इसके लिए वन लाना है, फिर इसके बाद क्या लाना है, डबल जीरो। अब बताओ यहां पे तुम वन कैसे लाओगे, तो वन ऐसे ही नहीं आएगा, वन लाने के लिए वन के ये तीन रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। इंटरचेंज वाला रूल, वो नहीं लगा तो फिर सपोर्ट वाला रूल, और ये भी अगर नहीं लगा तो डिवीजन वाला रूल। याद रखना इंटरचेंज का नहीं लगा तो सपोर्ट पे जाना, एकदम से कभी सपोर्ट पर नहीं जाना चाहिए या एकदम से डिवीजन पर नहीं जाना चाहिए। तुम उनमें से कोई कोई पूछ रहा है कि सर डायरेक्ट डिवीजन करेगा, तो मत करो, क्योंकि डायरेक्ट डिवीजन करोगे लगाने के लिए इजी है, लेकिन जब आप एक्चुअली अप्लाई करोगे कैलकुलेशंस करोगे तो मुश्किल जाता है। इसलिए जो सीक्वेंस लिख के दिया है ना वैसे ही करो। इंटरचेंज नहीं हुआ, नहीं लगा, कभी कभी नहीं लगता है, तो फिर अपने पास दूसरा तरीका है ना, इस तरीके से सपोर्ट के रूल से आप बन लाओ, और अगर ये भी फेल हो रहा है नहीं लग रहा है तो फिर डिवीजन के रूल से बन लाओ, लेकिन वन तो लाना है चाहे तीन में से कोई भी तरीका हो। तो वो फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, ये तरीका है, इसके तरह से फॉर्मूले बनाने हैं और वन लाना है। तो फिर वन लाया, सपोज ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बना के हमने वन लाया, ठीक है, उसके बाद क्या लाना पड़ता है, डबल जीरो। लेकिन डबल जीरो कौन से राइट साइड पर, यानी इन दोनों की जगह क्या लाना है, डबल जीरो, इन दोनों की जगह डबल जीरो, ठीक है। अब आप लाओगे डबल जीरो तो डबल जीरो कैसे आएंगे, फिर जीरो के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको जीरो लाना है ना, तो जीरो के फॉर्मूला रहता है अपोजिट नंबर वाला, वो अप्लाई करके आपको जीरो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वन और डबल जीरो आ गए, धीरे धीरे ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते जा रहा है, जैसे वन और डबल जीरो आ गए। उसके बाद क्या लाना, फिर लाना यहाँ पे वन, इस जगह बीच में, इसको बोलते हैं सेकंड वन। आएगा कैसे, वही वन के लिए हमेशा ये फॉर्मूला, जब जब वन लाना है तीन वन, तब तब ये इसी फॉर्मूले का यूज करना है, कोई भी लग सकता है फॉर्मूला। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर फर्स्ट वन के लिए फॉर्मूला सेकंड वन के लिए, ऐसा नहीं है, सभी वन के लिए सभी फॉर्मूले, यानी जब फर्स्ट वन लाना तीनों फॉर्मूले, सेकंड वन के लिए भी तीनों फॉर्मूले, थर्ड वन के लिए भी तीनों फॉर्मूले। अब जो लगता है वो लगाना पड़ता है ऐसा, तो शुरू करते क्या लाना, सेकंड वन, ये इन फॉर्मूले से मान के चलो आ गया सेकंड वन। उसके बाद क्या लाना पड़ता है, डबल जीरो, लेकिन ये डबल जीरो कौन से, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, तो डबल जीरो ये वाले इधर वाला, ये डबल जीरो, ठीक है। तो अब बताओ इतना तो आ गया, अब नीचे वाले नंबर को बदलते जाएंगे, लेकिन इतना आ गया डबल जीरो के लिए, डबल जीरो का रूल, जीरो वाले रूल अपोजिट नंबर। अब देखो धीरे धीरे वो बनते जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लास्ट स्टेप, अब वन लाना, हमेशा पहले वन लाना बाद में जीरो। तो बताओ वन कौन सा, थर्ड वन, कैसे लाओगे, ये रूल ला दिया वन, उसके बाद क्या लाना, डबल जीरो कौन से, इधर वन, ठीक है। कैसे लाओगे, फॉर्मूले से, कोई भी चीज फॉर्मूले से ही आएगी, ठीक है ना। तो बताओ ये मैट्रिक्स जो पहले और कैसा दिखता था, मैट्रिक्स ए था, लेकिन हमने फॉर्मूले अप्लाई करके इन नंबर्स की जगह वन डबल जीरो, फिर सेकंड वन डबल जीरो, फिर थर्ड वन डबल जीरो, ऐसे इसको धीरे धीरे हमने छह स्टेप में, कितने स्टेप में, सिक्स स्टेप, सिक्स स्टेप में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक बात बताओ, जब ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हुआ, आपने लगाया फॉर्मूले, वन के फॉर्मूले और जीरो के फॉर्मूले आपने यहाँ पे लिखे, अप्लाई किए, तब जाके ये नंबर्स वन और जीरो में कन्वर्ट हो गए। लेकिन होता क्या है, इक्वेलिटी का एक लॉ है, इक्वेशन, इक्वेशन यानी इक्वल टू, इक्वेशन का लॉ क्या है, जो प्रोसेस आप लेफ्ट साइड में करते हो वही राइट साइड में करनी पड़ती है, यानी जो आपने फॉर्मूला लिखा वही फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया इधर, तो वैसे ही आपको उधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उधर अप्लाई करोगे तो वो नंबर भी बदलते जाएंगे, वो नंबर बदल के क्या बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है, वहां पे कुछ भी आ सकता है, यानी ये मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते। बस इतना है करना, हमारा पर्पज ये कैसे भी है वो उसका नहीं था, अपना पर्पज ये था वन डबल जीरो लाना ही है, सेकंड वन डबल जीरो लाना ही है, थर्ड वन डबल जीरो लाना ही है, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये नंबर तो आ जाते हैं बराबर, वन आ जाएगा बराबर डबल जीरो आ जाएगा, ये तो आ जाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट उस पर भी होता है, कैसे, क्योंकि वो फॉर्मूला उधर भी लगाना पड़ता है, और उधर लगाने
किस तरह से चेंज होगी वो नहीं बता सकते, कुछ भी आ सकता है। तो एक बार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, कितने स्टेप लगते हैं इसको लाने के लिए? छह स्टेप। कैसे क्या छह स्टेप बदलो? सबसे पहले आप लाते हो वन, वन का फॉर्मूला लिखोगे, वन लाने का फॉर्मूला लिखोगे ना कोई भी, और वन आया ये होगी एक स्टेप। फिर उसके बाद डबल जीरो लाने पड़ते हैं, डबल जीरो एक साथ लाते हैं तो वो होगी दूसरी स्टेप। फिर लाते ये वाला वन तो तीसरी स्टेप, फिर डबल जीरो एक साथ तो चौथी स्टेप, फिर थर्ड वन लाते हैं पांचवी स्टेप, फिर डबल जीरो चौथी स्टेप। इसका मतलब छह स्टेप में ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अब लास्ट स्टेप कैसा है? ये यही वर्ड से इसको लिखना आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको आया नाम देना। और ये कुछ नहीं, ये जैसा है वैसा, इसका कुछ नहीं। अब बताओ एक नियम है मैथ्स में, मैट्रिक्स में आई को कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर वो मैट्रिक्स आएगा। यही वर्ष एक हुआ है, यही वर्ष हुआ है, और ये जैसा है वैसा। ए इनवर्स बदल दो, ए इंटू आर, ए इनवर्स इंटू आर, बी इंटू आर, बी इनवर्स इंटू आर, ए बी इंटू आर, हाँ ए बी इनवर्स इंटू आर। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, आर को कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर वही मैट्रिक्स है। ए इंटू आर ए, ए इनवर्स इंटू आर ए इनवर्स, ए इंटू आर बी, बी इनवर्स इंटू आर बी इनवर्स, ए बी इंटू आर ए बी, और ए बी इनवर्स इंटू आर ए बी इनवर्स। जैसे मैथ्स में ये होता था अलजेब्रा में इंटू वन, वन को मल्टीप्लाई किया तो वही आता है, वैसे आई को मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लाई करने वाला ऐसे। तो देखो ए इनवर्स इसका नाम आपने आई लिख दिया, फिर ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है ए इनवर्स, और ये फिर जो जैसा है वैसा मिल गया। तो ए इनवर्स तुम्हारे सामने ए दिया था, आपने ए इनवर्स बता दिया, तो प्रोसीजर क्या है? पहले उसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट याद रहे जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाएगा जीरो नहीं आएगा, लिख देना जीरो नहीं है, फिर लिखना ए इज ए नॉन सिंगल, ये लिखने की जरूरत नहीं वैसे नॉन सिंगल, डायरेक्ट लिख देना ए इनवर्स पॉसिबल है, यानी एग्जिस्ट एग्जिस्ट है ना अस्तित्व में। फिर कॉलम का ये फॉर्मूला ए इनवर्स सिंपली इक्वल टू ए इनवर्स एज इट इज, ए लिख दो, आई हमें पहले से पता रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका टारगेट है इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ये छह स्टेप में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट वन डबल जीरो, फिर ये सेकंड वन, फिर ये डबल जीरो, फिर आपने थर्ड वन, फिर ये डबल जीरो। इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, वो फॉर्मूले पता करना, और एक बार ये आइडेंटिटी बन गया आई नाम देना, और ए इनवर्स इनटू आई, ए इनवर्स ये हो गया इधर का। अब उधर जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसको वन और जीरो लाने के लिए, वो फॉर्मूले उधर भी अप्लाई होंगे तो वो अपने आप चेंज होगा। अब उसका नंबर जो भी है लिख देना और वही अपना ए इनवर्स है। ये हो गई एक प्रोसीजर जो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन अब आपको मेन चीज ये पढ़नी है कि इन नंबर्स को वन और जीरो में कैसे लाते हैं, और ये अपने हम सेकंड वीडियो में देखेंगे।